अब्दू रोजिक जीत रहे हैं बाहर जनता का दिल। आखिर ऐसा क्या कर दिया है अब्दू ने इस बार कि जनता जो है वो उनकी और दीवानी हो रही है और कमेंट सेक्शन में अपनी अलग अलग बातें अलग अलग राय रख रही है। और आखिर इस बार अब्दू ने ऐसा क्या कर दिया है मीडिया वालों के लिए कि मीडिया वाले खुद अब अब्दू के बिहाफ पर गुहार लगा रहे हैं और अब्दू को सपोर्ट कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अब्दू ने एक गिफ्ट दिया है, मीडिया वालों को ही दिया है ये गिफ्ट और यूजुअली बहुत सारे लोगों को दिया है। तो क्या गिफ्ट है और क्या अब्दू ने दिया है, आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूजर, मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट गणेश कांदू। अब्दू रोजिक जो इस बिग बॉस सीजन 16 में सबसे क्यूटी पाई कंटेस्टेंट्स में से एक माने गए, जिनको बहुत लोगों ने सबसे ज़्यादा मतलब पसंद किया, अब्दू जो है वो घर में लिटरली एक एप्पल थे सबके लिए, एप्पल ऑफ नाइट, जिसको मतलब हर कोई देखना चाह रहा था, हर कोई उनसे बैठना उनके साथ बैठना चाह रहा था, हर कोई उनके साथ मस्ती करना चाह रहा था अब्दू के साथ में। अब्दू का बिग बॉस के घर से पहली बार जाना तो यार शॉकिंग था, लेकिन दूसरी बार जाना उससे भी ज़्यादा शॉकिंग था, क्योंकि जब पहली बार अब्दू घर से बाहर गए तो वो उनको भेजा गया था कि उनके लाइव मोशंस कैप्चर करने थे किसी गेम के लिए। लेकिन जब दूसरी बार अब्दू घर से बाहर गए तो इस बार बिग बॉस ने खुद एक चीज़ अनाउंस की कि ये अब्दू जो है वो बिग बॉस के इतिहास में सबसे पहले कंटेस्टेंट बन रहे हैं जो वॉलंटरी एग्जिट लेंगे। और हो ना हो अब्दू ने वॉलंटरी एग्जिट ली, और शायद इस चीज़ पर तो कोई कन्फर्मेशन नहीं आया कि अब्दू ने वॉलंटरी एग्जिट के लिए पैसे पे किए या नहीं किए, लेकिन लोगों ने एक चीज़ पर बहुत ज़्यादा सवाल उठाया कि यार जिस तरीके से साजिद को दिया गया इतना अच्छा फेयरवेल, उस तरीके का फेयरवेल अब्दू भी डिजर्व करते थे, क्योंकि अब्दू ने भी शो को कुछ ना कुछ टीआरपी बहुत अलग लेवल पे दी और बहुत लोग अब्दू की वजह से ही बिग बॉस देख भी रहे थे। क्योंकि अब्दू भले मतलब उनका गेम नहीं था, लेकिन अब्दू की वाइब थी, पॉजिटिविटी थी, इस वजह से लोग उनको देख रहे थे। और आपको बता दें कि अब्दू जो है अभी हाल ही में मन्नत के बाहर भी गए थे अपने कार में और फोटोज़ वगैरह क्लिक करवा रहे थे, और अभी बिग बॉस पे भी जब वो आए थे तो उन्होंने एक गाना भी गाया था, वेरी चालाक ब्रो प्यार, उनका गाना जो ऑलरेडी हिट हो चुका है, वेरी चालाक ब्रो करके गाना जो लॉन्च करने वाले, उस गाने में वो सलमान खान, शाहरुख खान, बिग बॉस, इन सब चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं। और अभी उनका यही मानना है कि उनकी एक लास्ट विश जो बची हुई रह गई है वो शाहरुख खान से मिलना है। मन्नत भी वो गए थे लेकिन मिल नहीं पाए। तो अभी हाल ही में इस अभी कुछ दिन पहले अब्दू ने चीज़ अनाउंस की थी कि हम सब पठान साथ में देखेंगे, मैं पूरा थिएटर बुक करवा रहा हूँ पठान देखने के लिए। तो अब्दू ने थिएटर बुक करवा दिया और मीडिया वाले सब मिलकर पठान देख रहे हैं, जिसमें कुछ मीडिया वालों ने कैप्चर किया है अब्दू को झूमे जो पठान गाने पर डांस करते हुए। और साथ ही साथ मीडिया वाले भी जो है वो शाहरुख खान से गुहार कर रहे हैं कि भाई एक बार अब्दू से मिल लो, आपका बहुत बड़ा फ़ैन है। जिस पर लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं, कोई लिख रहा है भाई यार अब्दू तुम खुद इतने बड़े स्टार बन गए हो, अब शाहरुख तुमसे खुद अभी तुमको गुहार लगाने की जरूरत नहीं, खुद मिलेंगे, कोई क्यूटी पाई लिख रहा है, ऐसे सब मिक्स्ड रिव्यूज़ ही आ रहे हैं मोस्टली। लेकिन जिस तरीके से अब्दू जो हिंदुस्तान से ना होते हुए भी इतना ज़्यादा प्यार उनको मिल रहा है, ये खुद में बहुत बड़ी बात है। और जिस तरीके से बिग बॉस के घर में उनको पसंद किया गया, बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद तो उनको और ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। इस बारे में आपकी क्या राय, आपको क्या लगता है कि क्या शाहरुख अब्दू से मिलेंगे, ज़रूर बताएगा हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर। और इसी तरीके की और भी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी कि फीफा फूज के साथ। धन्यवाद।